हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एम्स भटिंडा के तरफ से टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 26 अप्रैल 2023 को। इसमें बहुत सारे पोस्ट है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। एम्स भटिंडा के तरफ से टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 26 अप्रैल 2023 को। इसमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। इसमें जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट की है, MD या MS की है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब लोकेशन है भटिंडा, पंजाब। इसमें टोटल 67 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.amsbhatinda.edu.in। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अब इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। प्रोफेसर पोस्ट में 25 पोस्ट है, एडिशनल प्रोफेसर में 11 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 16 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 15 पोस्ट है। अब इसमें सैलरी डिटेल्स देख लेते हैं पोस्ट वाइज। प्रोफेसर में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा 1,68,000 रुपीज। एडिशनल प्रोफेसर में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा 1,48,000 रुपीज। एसोसिएट प्रोफेसर में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा 1,38,000 रुपीज। असिस्टेंट प्रोफेसर में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा 1,00,000 रुपीज। अब इसमें पोस्ट वाइज एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 58 ईयर्स। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसमें जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 1,000 रुपीज। SC/ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज। इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 26 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 मई 2023। हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है 1 जून 2023। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज की गई है 26 अप्रैल 2023 को। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं क्या क्या पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो भी बता दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 26 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस।